यस गाइस, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा। 2023 में बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, उसमें ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, और उसे कम कीमत में बेचकर उन प्रोडक्ट का सेल करने की कोशिश करेगी। बट आपको ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BEE, इसका लॉन्ग फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर एक दो साल के लिए ये लेबल नया डिजाइन करती है, इसे अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करके इसके लिए एक न्यू लेबल डिजाइन करती है, वो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। ये लेबल होता है इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का। 2023 से 2024 तक के लिए ये लेबल नया डिजाइन हो चुका है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हुए। ये दिखने में आपको 5 स्टार दिखेंगे, दोनों भी रेफ्रिजरेटर 5 स्टार में आते हैं, बट इसमें एक्चुअल एनर्जी इफिशियंसी में बहुत सारा डिफरेंस है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो लेबल है वो 2023 से 2024 तक के लिए न्यू डिजाइन किया हुआ है, और उसमें क्या क्या चेंजेस किए ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात है गाइज, आप किसी दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपको कहेगा ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, आप इसे ले जाइए, और आप भी कहेंगे दुकानदार कह रहा है तो बेस्ट ही होगा, और आप उसे ले आते हैं। बट आपको कैसे पता चलेगा वो आपके लिए बेस्ट है भी या नहीं, वो आपकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा भी या नहीं। सो डोंट वरी गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और 2023 में रेफ्रिजरेटर में क्या क्या चेंजेस किए, ये सभी पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरे पास 2022 का 198 लीटर्स में आने वाला 5 स्टार रेफ्रिजरेटर, और ये है मेरे पास 2023 का 189 लीटर्स में आने वाला 5 स्टार रेफ्रिजरेटर। ये स्टार रेटिंग हर साल चेंज होती रहती है। आप यहाँ साइड पर देख सकते हैं, ये 2022 के मॉडल के लिए एनर्जी कंज्यूमशन है 104 यूनिट्स पर ईयर के लिए, एंड इस 2023 के मतलब 2023 के इस न्यू मॉडल के लिए एनर्जी कंज्यूमशन जो है वो है 131 यूनिट्स पर ईयर के लिए। ये यूनिट्स तो हो गए है बीई के एवरेज टेस्ट कंडीशन यूनिट्स, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये यूनिट्स डिपेंड्स होते हैं आपके यूज पर। फॉर एग्जाम्पल, आप इस रेफ्रिजरेटर को 1 घंटे में 1 बार ही ओपन करेंगे, और इस रेफ्रिजरेटर को आप 1 घंटे में 5-6 बार ओपन करेंगे, तो ऑब्वियसली इस रेफ्रिजरेटर का एनर्जी कंज्यूमशन तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें से जो ठंडी हवा होगी वो बाहर जाते रहेगी, और इसका एनर्जी कंज्यूमशन जो है ज़्यादा होगा। इसे बार बार ऑन होना पड़ेगा, इसे बार बार चालू होके फिर से वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, सो इसका एनर्जी कंज्यूमशन डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। कंपनी की तरफ से ये कहना है कि सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर सफिशियंट है 2 और 3 लोगों की फैमिली के लिए, बट आप अगर इसे 4, 5 या उससे ज़्यादा मेंबर्स के लिए परचेस करेंगे तो इसका यूज़ तो बिल्कुल भी ज़्यादा ही होगा, तो एनर्जी कंज्यूमशन जो है वो भी ज़्यादा होगा। इस पर जो यूनिट आपको देखने को मिलेंगे वो BEE के एवरेज टेस्ट कंडीशन यूनिट्स हैं, बट आप डेफिनेटली एक 5 स्टार ही रेफ्रिजरेटर परचेस करें, क्योंकि 5 स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर की एनर्जी कंज्यूमशन जो है वो 1 स्टार रेफ्रिजरेटर से कंपेरेटिवली कम होती है, मतलब इससे आपका लाइट बिल कम आएगा अगर आप उसे 1 स्टार से कंपेयर करेंगे। तो आप एक नए रेफ्रिजरेटर खरीदते समय आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एक 4 स्टार या 5 स्टार ही रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है गाइज, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के कम कीमत के रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेंगे मार्केट में, उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी होगी, और वो आपको सिर्फ 10,000 में, मतलब बहुत ही कम बजट में मिलेंगे। बट गाइज, कंपनी क्या करेगी, उसके मटेरियल में या उसकी इंसुलेशन कैपेसिटी में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ग्लास यूज की जाती है वो हल्की क्वालिटी की होगी, उसका ये जो मटेरियल होगा वो हल्की क्वालिटी का होगा, एंड उसकी दूसरी बात जो है उसकी इंसुलेशन भी बहुत ही हल्की क्वालिटी की होगी, वो बहुत ही कम थिकनेस की होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर हम 1 लीटर की थर्मास की बोतल को कंसिडर करें तो इसकी लीटर कैपेसिटी होगी 1 लीटर, बट उसके साइज के अकॉर्डिंग वो दिखने में 2 लीटर की बोतल जैसे दिखने में दिखेंगी। इसका मतलब इसके बॉडी में जो थर्मास की थिकनेस यूज़ की हुई है वो अंदर के टेम्परेचर को बाहर पास नहीं होने देती। अगर हम उसमें ठंडा पानी रखें तो वो ठंडा ही रहता है, उसका अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर में बिल्कुल भी पास नहीं होता है। सेम बेसिस पर वर्क करता है इसका इंसुलेशन। अगर इसका इंसुलेशन अच्छी क्वालिटी का होगा तो इसका
टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, उसका कूलिंग भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा और वो एनर्जी इफिशियंट रहेगा। इसमें ये रेफ्रिजरेटर कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो गाइस, हम इंसुलेशन कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पर आप इसकी साइड में इंसुलेशन कैपेसिटी देख सकते हैं। ये इंसुलेशन कैपेसिटी हल्की क्वालिटी की होगी तो हो सकता है इसका साइड पैनल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है, और आप एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने के बाद सोचेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। एक्चुअल में ये होता है ये एक खराब इंसुलेशन कैपेसिटी की वजह से। बट आपको रेफ्रिजरेटर परचेस करते समय ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपका रेफ्रिजरेटर गुड इंसुलेशन कैपेसिटी के साथ आना चाहिए और उसमें जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो वो हेल्प करेगा उसकी लंबी ड्यूरेबिलिटी के लिए। गाइस, मैंने आपको इसके साइड पैनल की हीटिंग के बारे में बता ही दिया है, तो एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, इसका साइड पैनल नॉर्मली हीट होता ही रहता है, बट डोंट वरी, ये कोई मेजर इश्यू नहीं है। वो अंदर की तरफ कूल करता रहेगा तो बाहर नॉर्मली हीट होता रहेगा, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। सो गाइस, थर्ड नंबर पॉइंट जो है इसकी कैपेसिटी के अनुसार, एक स्टैंडर्ड रेशियो है फ्रिज टू फ्रीजर का 19:10, मतलब आपको इसकी फ्रिज की कैपेसिटी 90% मिलेगी एंड 10% कैपेसिटी होगी इसके फ्रीजर की। ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ये आइडियल रेशियो है। बहुत सारे ब्रांड्स क्या कर लेते हैं, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इसमें आपको 89% दे देते हैं फ्रीज़र की साइज़ और 80-95% साइज़ दे देते हैं आपको फ्रीज़र की। तो आपको दिखने में तो बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लगता है बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। सो गाइज, आपको भी ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए फ्रिज लेते समय, इसका फ्रिज टू फ्रीज़र रेशो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो 2023 में जो भी रेफ्रिजरेटर आएंगे वो इन्वर्टर कॉम्प्रेसर पे वर्क करते हैं, मतलब इनमें आपको नॉर्मल कॉम्प्रेसर 2023 में इन मॉडल में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, इन्वर्टर कॉम्प्रेसर यूज़ किया होता है। और ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन पे वर्क करते हैं। बेसिकली ये क्या है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर परचेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, ये सभी रेफ्रिजरेटर जो है 2023 में आने वाले वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन पे वर्क करते हैं। इसका मतलब ये है आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर परचेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इनबिल्ड स्टेबलाइजर आते हैं। अब आपको स्टेबलाइजर तभी खरीदना है कि अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट का फ्लक्चुएशन होता है तभी आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर परचेस करने की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली ये भी आप पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इन 2023 के रेफ्रिजरेटर में आपको इन्वर्टर कॉम्प्रेसर देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा लाइट की फ्लक्चुएशन से ख़राब हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट की फ्लक्चुएशन है तो आप एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर परचेज ज़रूर कीजिए। 2023 के मॉडल के अंदर जो इन्वर्टर कॉम्प्रेसर यूज़ किया हुआ है वो कंपेरेटिवली 30-50% लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर हम उसे नॉर्मल कंप्रेसर से कंपेयर करते हैं तो। चलिए मैं आपको इसके फ्रीजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो इसका फ्रीजर है। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होगी, ये लाइंस होती है, इसमें से गैस पास होती रही थी। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, इसमें जब बर्फ जमा हो जाती है तो उसे नाइफ से, मतलब चाकू से वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं या किसी धारदार वस्तु से इसे निकालने की कोशिश करते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से ये लाइंस वगैरह खराब हो जाती है और इसका गैस लीकेज होता रहेगा। इसके कॉम्प्रेसर के लिए तो वारंटी आएगी, कॉम्प्रेसर रिपेयर हो जाएगा, बट ये रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर इसमें बर्फ जमा हो जाती है तो आपको सिंपली डिफ्रॉस्टिंग का बटन दबाना है और ये ऑटोमेटिकली सभी बर्फ पिघल जाएगा। ये थी इसके फ्रीजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, सर्दियों के दिनों में रेफ्रिजरेटर को बंद कर लेते हैं। आपको ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप इसे सर्दियों के दिनों में बंद रखेंगे तो इसमें चांसेस होते हैं कि इसकी गैस लीकेज होने की, तो आपको इसे बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो कम करके रख सकते हैं और इसी तरह से आपको इसे ऑन रखना है। सो ये थी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्रेसर की वारंटी के लिए। काज ये जो है वो 2022 का, मतलब 2022 का मॉडल है। 2022 में इसके लिए कॉम्प्रेसर के लिए वारंटी आती थी 10 ईयर की, अब नहीं। अब 2023 में इसके लिए कॉम्प्रेसर की वारंटी आएगी 20 ईयर्स की, मतलब 20 साल की कॉम्प्रेसर के लिए वारंटी आएगी। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इसके कॉम्प्रेसर का कोई भी इश्यू नहीं रहेगा, इसके लिए 20 साल की तो वारंटी ही आएगी। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये जो दो रेफ्रिजरेटर है इसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो इसमें से भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2022 में ये रेफ्रिजरेटर आता था 198 लीटर्स में, अब आता है 189 लीटर्स में, मतलब इसमें भी आपको 9 लीटर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो बीए की टेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी चेंजेस इसमें हुए हैं। दिखने में आपको ये रेफ्रिजरेटर थोड़ा हाईटेड लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बेस्ट स्टैंड यूज किया हुआ है, उसमें अंदर आपको बेस्ट ट्रॉली यूज की हुई देखने को मिलेगी, और इस बेस्ट ट्रॉली का और इसके वॉल्यूम का कोई भी संबंध नहीं होता है।
सो आप इसे वॉल्यूम से कंपेयर मत कीजिए। इसमें भी आपको वो बेस्ट ट्रॉली मिल जाएगी, वो मॉडल मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसे लिया है, बट आपको सेम पीस इसमें भी विद ट्रॉली मॉडल मिल जाएगा। सो गाइज 2022 के इस फ्रिज की कैपेसिटी है 172 लीटर्स एंड फ्रीजर की कैपेसिटी है इसकी 24 लीटर्स। 2023 के इस मॉडल की फ्रिज की कैपेसिटी है 171 लीटर्स एंड फ्रीजर की कैपेसिटी है 18 लीटर्स। सो इसमें भी आपको 9.5 का ही रेशियो देखने को मिलेगा, तो आप ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, आपको 9.5 से 10 का रेशियो मिलना ही चाहिए रेफ्रिजरेटर में, तभी इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी और वो अच्छा रेफ्रिजरेटर रहेगा। इसके प्राइस की बात करूँ तो इस मॉडल को आप इस समय परचेस कर सकते हैं 21,000, मतलब 21,000 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। एंड इस 2023 के इस मॉडल को अभी के टाइम आप परचेस कर सकते हैं 19,500 रुपीस, मतलब 19,500 में आप इसे अभी के टाइम परचेस कर सकते हैं। कि विदाउट ट्रॉली है, इसमें से आप विद ट्रॉली लेंगे वो भी 20,500 को ही मिलेगा। सो गाइज ये है इन्फॉर्मेशन, आपको एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेस करने से पहले जरूर जान लेनी चाहिए। अगर आप एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे तो ये सभी पॉइंट्स इसमें आने चाहिए, तभी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी और वो आपकी ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर पाएगा। इसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट में और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।